दर्शकों, अक्टूबर का महीना हम जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। हमारी मासिक राशि फल दशक की श्रृंखला के हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने आपको 8 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, यानी धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह को जो की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके शिक्षा करियर के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कुछ इसी प्रकार से समझेंगे। आपके व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, किसी नए क्षेत्र में निवेश के अवसर मिलेंगे या नहीं। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर आप समझेंगे कि आप आपके रिलेशनशिप को किस दिशा में लेके जा रहे हैं या किस दिशा में खुद स्वतः चल रहा है। इसके अलावा वैध दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, आप लोगों के बीच में किस प्रकार के संबंध देखने को मिलेंगे, साथ ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो उसके लिए कैसा माहौल देखने को मिलेगा, तो ये सारी चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमें 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लग्न के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और छठे भाव के स्वामी शुक्र जो है आपके एकादश भाव में अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके चतुर्भाव में राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं दशमेश बुध, साथ में केतु और सूर्य। यहाँ पे सूर्य केतु और राहु के प्रभाव में आके ग्रहण योग बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो लग्नेश जो दशमेश है बुध पूरी तरीके से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और पूरा प्रभाव अपना पॉजिटिवली नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके तृतीय भाव की, तो शनि गोचर करें कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है। इसके अलावा मंगल आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे 9 अक्टूबर को आपके लग्नेश बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे छठे भाव में रहते हुए, बुध 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे नीच के होंगे। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पे मंगल नीच अवस्था में होंगे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और बुध 29 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये प्रभाव आपको कैसा पड़ेगा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि देखिए दो ग्रहों की जो यहां पे जो स्थिति बन रही है वो नीच अवस्था में है और दो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो वक्री अवस्था में है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके लग्नेश है पहली बात, दूसरे छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे नीच अवस्था में रहेंगे, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए लग्नेश की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, बाद में थोड़ी और कमजोर होने वाली है, क्योंकि वक्री अवस्था में आने के बाद परिणाम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएंगे। पेट से रिलेटेड समस्या है, लीवर से रिलेटेड समस्या है, स्लो डाइजेशन की समस्या है, खाना पाचन में दिक्कतों की समस्या है, पेट दर्द की समस्या है, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अब मंगल आपके जब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो चोटे इत्यादि का भय रहेगा, साथ ही कुछ रक्त विकार की समस्या, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, खासकर जब शुक्र आपके द्वादश भाव में आएंगे। हालांकि शुक्र द्वादश भाव में आकर विपरीत राजयोग का निर्माण कराएंगे, कोई छठे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठेंगे, लेकिन फिर भी समस्या आएंगी, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान को चित्र रखें, शुगर की समस्या पहले से है तो अपने पर काफ़ी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम है वह यहाँ देखी जा रही है। खान पान की भी एक अतिरिक्त समस्या देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ गलत नियमों का पालन करके या कुछ गलत खान पान के चक्कर में आप अपनी सेहत को खराब कर सकते हैं। रक्त विकार की समस्या के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे तो चोट इत्यादि का भय बना रहेगा, साथ ही रक्त विकार जैसे कुछ ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन है, बीपी की समस्या, इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा राहु केतु आपके चतुर्थ भाव में और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो सूर्य है आपके दशम भाव में रहेंगे तो लगभग आधे महीने तो यहाँ पे रहेंगे, जिसमें इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग में रहेंगे, तो बहुत ही आपको सावधान रहना है, क्योंकि जो हृदय के मरीज है खासकर हार्ट पेशेंट है उन्हें सतर्क रहना है, छोटी छोटी समस्या को आप हल्के में ना लें, किसी प्रकार के स्ट्रेस को अपने ऊपर आने ना दें। वात की समस्या है, ये कुछ अन्य समस्या के कारण कुछ आपको घबराहट हो रही है या कुछ आपको अनईजी सा फील हो रहा है, तो आप उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, बात करें, आप छोटी समस्या को भी नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर रहेगा।
आप योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, साथ ही आप मेडिटेशन और कह सकते हैं कि ध्यान लगा सकते हैं। ये अत्यंत अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से लाभ उठाएं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है इन ग्रहों की दिशा की वजह से, इन ग्रहों की गोचर स्थिति की वजह से। तो आप पे आपको एक प्रकार से इनकी एनर्जी जो पता लग रही है उसके हिसाब से आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने दिनचर्या को निर्धारित कर सकते हैं, आप डेली वॉक कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें जो बदलाव अगर आप लेकर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें जो चेंजेस आप ला रहे हैं उसका कितना सुखद परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा और करियर की। देखिए पंचमेश मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति उत्तम बनी है, आपके साहस में कोई कमी नहीं है, आपके ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, डिसीजन लेने में आप काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि समय अनुकूल आप प्रयास कर रहे हैं, साथ ही कुछ अन्य गतिविधियों में भी जैसे फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि बढ़ती नजर आ रही है, कुछ अच्छे परिणाम इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, यहाँ पर दुविधा का स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपको एक गाइडेंस की कमी महसूस हो सकती है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ से भी कुछ खास आपको कह सकते हैं कि परिवर्तन या ऑफर देखने को नहीं मिल पाएगा। अथक प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिस क्षेत्र में आपको ऑफर मिल रहा है वो आपकी प्रोफाइल से डिफरेंट रह सकता है, आपकी आपकी चॉइस से डिफरेंट रह सकता है, तो ये कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे ही आपके नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में जाएंगे तो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, तो एफर्ट मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को ये हल्का सा डैमेज भी कर सकता है, जहाँ पर आपकी कुछ शुरुआती असफलता के कारण आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। तो ये छोटी छोटी जो है आपको ध्यान में रखती हैं, आप ये समझ लें कि जो ये समस्या चल रही है वो अस्थाई है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, कुछ उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन धैर्य बना के रखें। कंपटीशन में शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, बाद में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कई प्रयास करने के बाद कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आप अपनी सोच को ग्राउंडेड रखें, आप कह सकते हैं कि सही मौके को आप सही समय पर आप पहचान नहीं पाएंगे या कुछ चूक सकते हैं, अवसर गंवा सकते हैं, तो ये भी एक स्थिति देखी जा सकती है। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकता है या काफ़ी ज़्यादा लो रह सकता है, ऐसे स्थिति में अगर आप अपना प्रदर्शन देने जा रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो देखिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है, हालांकि दशमेश जो है बुध वहीं पर गोचर कर रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन 10 अक्टूबर को होगा, उसके बाद वे एकादश भाव में जाएंगे जो लाभ का भाव है। अब यहाँ पर तुला राशि में जो उनकी मित्र राशि वहाँ पर जाएंगे, पर क्योंकि दशम भाव में केतु रहेंगे, सूर्य रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बाधा देख सकते हैं। अगर आपका चयन हो भी जाता है तो शुरुआत में परिस्थिति के अनुकूल आप अपने आप को ढालने में थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर आपके कुछ विपरीत रह सकता है या कुछ आप कुछ अनकंफर्टेबल रह सकते हैं अपने कार्यक्षेत्र के माहौल को लेकर, तो ये थोड़े से चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपको सपोर्ट में भी कमी देखी जा सकती है, खासकर आप अपने अधिकारी से सीनियर से कुछ सपोर्ट की आशा कर रख रहे हैं तो कुछ खास आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा और आप उस पर विश्वास भी करते नजर नहीं आएंगे, तो बहुत सतर्क आपको रहना है। कुल मिला के धैर्य से काम ले, सतर्क से काम ले और आप ये देखेंगे धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत आप इसे समझ लीजिए कि एज अ चैलेंज आपके लिए रहने वाला है। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा उसे हमें समझना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में दशमेश ही गोचर कर रहे हैं, उच्च अवस्था में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे केतु है और सूर्य का ग्रहण योग बन रहा है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके काम में अड़चन देखी जा सकती है, बाधा देखी जा सकती है। आप अपने काम के में पूरी तरीके से दक्ष है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, ये आपके कॉन्फिडेंट को भी गिरा सकती है, लो कर सकती है, कहीं ना कहीं कुछ अन्य प्रोफाइल के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है जो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही, तो ये चिड़चिड़ापन ये कैसा कह सकते हैं देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे ही दशमेश आपके एकादश भाव में जाएंगे तो कुछ ग्रोथ के प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे, पर क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है और जहां पे केतु आपके दशम भाव में बैठ के आपकी परफॉर्मेंस को आपके प्रदर्शन को कहीं ना कहीं हद तक प्रभावित कर रहा है, बहुत ज्यादा तीव्र आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई रह सकती है, जिसकी दिशा सही होना बहुत जरूरी है। मंगल यहाँ पे बैठकर आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे जो आपके दशम भाव के स्वामी भी होंगे अष्टम भाव में रहके, तो कहीं ना कहीं अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से आप जॉब परिवर्तन का भी सोच सकते हैं, जॉब छोड़ने का भी निर्णय ले सकते हैं, तो अचानक ये कुछ आपकी सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है कि आप पल में कुछ और सोचते हैं फिर नेक्स्ट मोमेंट में आप कुछ और सोचते हैं, तो ये सोच का जो परिवर्तन रहेगा ये मंगल के प्रभाव की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मंगल एक अधीर प्लैनेट है, एक फायरी प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व का
ग्रह है। अब यहाँ पे जो मंगल होंगे कर्क राशि में होंगे, जलीय तत्व की राशि में होंगे, जहाँ पे आपके इमोशंस को एक सही दिशा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ज्यादा सप्रेशन यानी बहुत ज्यादा दबाव आप अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं, और जब आप उसको रिलीज करना चाहेंगे तो काफी ज्यादा कह सकते हैं नेगेटिव प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स में देखा जा सकता है। तो ये कुछ आपको कह सकते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपके पक्ष में रहेगी, लगभग एक हफ्ता अगर हम बात करें तो आपके पक्ष में रहने वाला है। उसके बाद थोड़ी स्थिति आपके लिए विपरीत रह सकती है, कुछ आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी बार प्रयास करने के बाद ही कुछ स्थिति आपके सामने क्लियर होती नजर आएगी। अब व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश और दशमेश दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, काम में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे, इंटेलिजेंस में आप सुपर एक्टिव रहेंगे, नेगोशिएशन में आपकी स्किल काफ़ी कह सकते हैं कि बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, पर जैसे ही आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे उसके बाद तो आपके जो दशमेश है वो खैर और सप्तमेश एक ही बुध वो एकादश भाव में जाएंगे, तो आप अपने लाभ के प्रति थोड़ा शंकित हो सकते हैं। क्या आपको किस स्टेज में किस प्रकार के एक्शन लेने, किस प्रकार के डिसीजन लेने, इसमें थोड़ा दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिर भी कुछ क्षेत्र से आपको अच्छे खासे रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी कुछ ठहराव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रियल स्टेट में कुछ बात बनती तो नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट अवरोध के साथ आपको देखने को मिल सकता है। खासकर सरकारी क्षेत्र से कुछ अवरोध या कुछ लीगल प्रॉब्लम समस्या देखी जा सकती है, जिसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में कुछ लिमिटेड परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में काफी मजबूती शुरुआत में ही देखी जा सकती है। अन्य क्षेत्र में जैसे ब्यूटी इंडस्ट्रीज में है या आप लग्जरी आइटम्स में है या खान पान के इंडस्ट्री में है, तो उसमें भी कुछ आपको कह सकते हैं कि सामान्य परिणाम से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बाद में कह सकते हैं कि मास के अंत तक आते आते कुछ चैलेंजेस आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस की तरफ से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अरेंजमेंट में भी कुछ आपको संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से भरा रह सकते हैं आपके लिए अक्टूबर का महीना आपके व्यवसाय के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लाभ के संकेत भी बराबर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे ही सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे, यहाँ पे नीच अवस्था में होंगे, तो ये भी थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, कुछ कमजोर परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। आप प्रयास में भी थोड़ा पीछे हट सकते हैं या प्रयास में थोड़ी ढिलाई आपकी देखी जा सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो पहले से ही सतर्क रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सी परिस्थिति को आप पार कर पाए हैं जो विपरीत रही होंगी, और जिसकी वजह से आप कुछ आप कह सकते हैं कि आप लाभ की तरफ या ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो आपके सप्तमेश एकादश भाव में बैठकर आपको कहीं ना कहीं लाभ के अच्छे संकेत, अच्छी परिस्थिति का जो है निर्माण बना करते नजर आएंगे। भाग्येश के स्वामी जैसे एकादश भाव में जाएंगे तो एक आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रह सकता है। कुछ परामर्श आपको आपके बिजनेस के संदर्भ में देखने को मिल सकता है, कुछ एक्सपीरियंस अनुभव व्यक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्रेम संबंध के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? पंचमेश जो है मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करे तो शुरुआत से ही शादी की रट लगा सकते हैं, विवाह के लिए दबाव बना सकते हैं परिवार के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, या पार्टनर आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं विवाह के लिए। कहीं ना कहीं आप समय लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पर्सनल इशू रह सकते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रह सकती है या परिवार के संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, जिसकी वजह से पार्टनर के दबाव के सामने असहाय महसूस कर सकते हैं या कुछ उनको विरोध भी कर सकते हैं उनके बात का, किसी एक्शन का। तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विकट रह सकती है। इसके अलावा जैसे ही आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे तो बार बार आप एक ही गलती दोहरा सकती है, विवाह की जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। सप्तमेश क्योंकि अभी आपके केतु के प्रभाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बात तो बनती नजर आएगी, लेकिन फिर कुछ विघटन आपको देखने को मिल सकता है, बात आगे के लिए भी टल सकती है। पर जैसे सप्तमेश आपके एकादश भाव में आएंगे तो कुछ बात बनती नजर आएगी, लेकिन पुनः राशि परिवर्तन करके जैसे ही बुध द्वादश भाव में आएंगे तो फिर कह सकते हैं उतार चढ़ाव गुजरना पड़ सकता है, तो लगभग आपको एक महीना इंतजार करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि अपनी स्थिति को समझे, अपने परिवार की स्थिति को समझे, अपने पार्टनर के परिवार की स्थिति को समझे, और बेहतर यही रहेगा कि आप उसको अच्छे से
एनालाइज करें कि ये आपकी किस दिशा की तरफ जा रहा है। संबंध में जुड़ने के भी चांसेस बन रहे हैं यदि आप सिंगल हैं तो, यदि आप किसी के साथ संबंध में नहीं हैं तो कुछ संबंध के जुड़ने में चांसेस ज़रूर बनेंगे। शुरुआत तो देखी जा सकती है, पहले से कोई बात आप लोगों के बीच में चल रही है तो बात थोड़ी आगे तो बढ़ेगी, लेकिन फिर कुछ आप रुकावट देख सकते हैं, तो ऐसे रुक रुक के बात आगे बढ़ सकती है। तो आप अपने संबंध को बिना किसी सोच विचार के आप एकदम से डिसीजन लें तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो अपने लिए जो भी आपने सोचना है अच्छे से सोच विचार कर फिर आप डिसीजन लें। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, देखिए सप्तम भाव में मंगल गोचर करें, सप्तमेश अभी केतु की अवस्था में है, कहीं ना कहीं जीवन साथी के भीतर चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है अपने काम को लेके या अपने प्रोफेशन को लेके, उनके जो भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, उसका जो सामना कर रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ स्थिति देखी जा सकती है। कुछ आपके स्वास्थ्य के कारण भी आप लोग के बीच में एक कह सकते हैं कि एक तनाव की स्थिति, खींचतान की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ लापरवाही आपके कारण भी हो सकती है जिसकी वजह से जीवन साथी थोड़ा आपसे संतुष्ट रह सकते हैं, नाराज रह सकते हैं, तो जिसकी वजह से भी आप लोग के बीच में थोड़ा संघर्ष या कह सकते हैं क्रोध की स्थिति देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं जीवन साथी अपने आप को असहाय महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके इमोशंस को सही दिशा नहीं मिल पाएगी, और जब वो अपने इमोशन प्रकट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिक्रिया काफी तीव्र हो सकती है। इसके अलावा जैसे ही आपके सप्तमेश एकादश भाव में जाएंगे तो पहले से स्थिति आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी, पर क्योंकि शुक्र आपके पहले अच्छे अवस्था में रहेंगे उसके बाद द्वादश भाव में जाएंगे तो कुछ नुकसान या स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने आपको मिल सकती है। संतान प्राप्ति के लिए कह सकते हैं कि शुरुआत में काफी अच्छा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, पर धीरे धीरे स्थिति जो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, तो ये आपको समझना होगा क्योंकि लग्नेश आपके जो है छठे भाव में गोचर करें, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। संतान से आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, कुछ लापरवाही भी उनके द्वारा आपको देखने को मिल सकती है। अब उपाय की बात कर लेते हैं, उपाय क्या करें, तो उपाय के लिए आपको सबसे जरूरी अपने लग्नेश को मजबूती प्रदान करना। आपके बृहस्पति है जो छठे भाव में गोचर करें, फिर बाद में वक्री अवस्था में आएंगे, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और पीली वस्तु का दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। आप हो सके तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, यह बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय है, इसे आप जरूर करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप 108 बार कर सकते हैं, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि आपको सुबह करना है दोपहर करना है, जब भी आपको समय मिले शुद्ध भाव में बैठकर आप इसका जाप अवश्य करें। इसके अलावा अगर आपको राहु केतु परेशान करे तो राहु केतु के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं, आप केतु के लिए गणेश जी को 21 दुर्वा घास भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं, राहु के लिए आप चिड़ियों को पक्षियों को आप भोजन खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सप्तमेश का भी उपाय करना चाहें, क्योंकि जैसे ही जो 29 अक्टूबर को जो आपकी सप्तमेश द्वादश भाव में जाएंगे तो ये अच्छा भाव नहीं है, तो आप हो सके तो बुधवार को गाय को हरा चारा या कुछ हरी सब्जी जरूर खिलाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे, ये सिर्फ ना सिर्फ आपके ग्रहों के कुप्रभाव को कम करते हैं बल्कि आपके भीतर एक प्रकार की ऊर्जा लेकर आते हैं जो कि पॉजिटिव रहती है, जिस वजह से आप इन जितनी भी परिस्थितियों का सामना डट के करते हैं, साहसपूर्वक करते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ करते हैं, तो ये आप उपाय जरूर करें। इसके अलावा दर्शकों आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।